तो आज की वीडियो में होने वाला एकदम म्यूजिकल वाला माहौल, क्योंकि जब भी हम घर में होम थिएटर को लेके बात करते हैं तो बिना साउंड बार के सब ऊपर के मजा ही नहीं आता है। तो आज हमारे पास आ रखा है बोट का अवांते स्टार्क, ना साउंड बार आ रखा है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है डिवाइस है, क्योंकि वायरलेस सब ऊपर इसमें प्रोवाइड कर रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बट टेस्टिंग वगैरह मालूम पड़ेगा मेन तो। और उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट अच्छा लगे भाई का तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहे। अब डब्बा खोलते हैं सबसे पहले, तो डब्बे पे तो आपको देखो मस्त ब्रांडिंग वगैरह करके रखी हुई, यहाँ पे रेज द बार करके इनकी जो टैगलाइन है वो भी लिख रखी है। कंटेंट पैकेज की बात करेंगे हम लोग यहाँ, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का साउंड बार और मिल जाएगा आपका सब ऊपर। अब बाकी आपको मिलेगी थैली, अब इस थैली में बहुत सारी काम की चीजें। सबसे पहले तो आपको मिल जाएंगे कुछ कागज। अब कागज में सबसे इम्पोर्टेंट कागज दो ही देते हैं, एक तो मैनुअल होती है और एक होता है वारंटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको बढ़िया सी मैनुअल दे रखी है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक आपको मिल जाएगा एक साल का वारंटी कार्ड, एक आपको यहाँ पे थैंक यू कार्ड देखने को मिलता है जो कि रॉक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और वोकल फॉर इंडिया के लिए यहाँ पर जो है बोर्ड क्लेम करता है, क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं ये, जो अभी हम लोग साउंड बार के बारे में बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। साथ आपको मिलेगी एक वॉल माउंटिंग किट, एक ऑक्स केबल और आपका रिमोट, जिसके थ्रू आप आपके साउंड बार को कंट्रोल करने वाले हो। और रिमोट के साथ में आपको दो सेल प्रोवाइड कर रखे, तो मार्केट से खरीदने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी ने बढ़िया से दे रखे सेल यहाँ पर। तो ये कुछ आपको यहाँ पर पैकेज के अंदर मिलेगा। अब बात कर लेते सीधे डिजाइन को लेके, तो बिल्ड टू डिजाइन के बारे में अगर देखो मैं साउंड बार को लेकर बात करूं, तो फ्रंट में आपको सॉलिड जो है मेटलिक ग्रिल देखने को मिलती है और ये ट्रायंगुलर शेप वाला साउंड बार। यूजुअली साउंड बार्स कैसे आते हैं, या तो रेक्टेंगल में रहते हैं या फिर वो जो स्क्वायर टाइप में डिजाइन में रहते हैं या पूरे एकदम राउंड टाइप में होते हैं, बट ये जो है थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में एकदम बढ़िया सी मेटलिक ग्रिल दे रखी है, बोट का शानदार सा लोगो लगा रखा है बीच में इन्होंने। पीछे की साइड देखोगे आप तो आपको यहाँ पर साइड में यूएसबी का पोर्ट और पीछे आपके जितने भी कनेक्टिविटी के पोर्ट्स दे रखे हैं वो सेंटर में यहाँ पर सारे प्रोवाइड कर रखे हैं। अब राइट और लेफ्ट साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइटिंग शाइटिंग दे रखी है, तगड़ी वाली लाइटिंग देखने को मिलती है। नीचे भी आपको लाइटिंग प्रोवाइड कर रखी है जो आपके सेटअप के एलिगेंस को एकदम बेहतरीन बना देती है। अब वही एक साइड देखो तो आपको सारे एसेंशियल बटन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्ले पॉज करना हो या फिर पावर ऑन ऑफ करना है, मोड स्विच करना हो, वॉल्यूम के लिए दे रखा है और लाइट को बंद चालू करने के लिए आपको जो है यहाँ पर बटन प्रोवाइड कर रखा है। तो डायमेंशन वाइज फिजिकल तो मतलब बिल्ड बहुत सॉलिड आपको मिल जाती है, कि बाकी जो कैबिनेट वगैरह एकदम प्लास्टिक का और सॉलिड प्लास्टिक यहाँ पे अच्छा यूज कर रखा है इन्होंने। और माउंटिंग के लिए इन्होंने पीछे आपको ये जो हुक वगैरह लगाने की जो है पोजीशन भी दे रखी, माउंटिंग को जो है कुछ इस तरह से होगी। अब अगर मैं इसके साइज को लेके बात करूं तो ये लेंथ में कुछ 3 फीट के अराउंड आपको अप्रोक्स पड़ता है, लगभग 3 फीट के अराउंड ही है ये, ताकि आप अपने जब घर में लगा रहे हो तो आपको एक अंदाजा लग सकेगा कि किस तरीके से आपके यहाँ परफेक्ट बैठ सकता है। तो 3 फीट के अराउंड इसका जो है साइज आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब वूफर को लेके, तो ये मस्त आइकॉनिक सा आपको जो है बोट का लोगो का स्ट्रक्चर और डिजाइन देखने को मिलता है, जो लुक एंड फील के मामले में बहुत सही फील दे रहा है। साथ में ऊपर यहाँ पे बोट का लोगो भी लगा रखा है इन्होंने। तो ये तो हो गया फ्रंट की बात, वहीं साइड में देखोगे तो आपका जो है बेस ड्राइवर आपको देखने को मिलता है। पीछे की साइड आप देखोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे नीचे कुछ खास चीजें, एक तो पावर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, एक यहाँ पर रीसेट बटन दे रखा है और उसी के नीचे आपको लाइट इंडिकेशन प्रोवाइड कर रखा है और एक बड़ा सा आपको बेस एयर विंड प्रोवाइड कर रखा है, तो जो बेस की हवा निकल के आती ना वो यहाँ से जो है आपको दे रखी है। यूजुअली साइड में देते हैं बट इस बार उन्होंने पीछे की तरफ दे रखा है। तो ये तो आपका सब वूफर हो गया, जो कि आपको सेपरेट पावर सप्लाई देना पड़ेगी, इसमें ये पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगी, बट चूंकि ये इससे वायरलेसली कनेक्ट होता है तो आप उसको कहीं भी डिस्टेंस पे रख सकते हो। अब यहाँ पर जो कैबिनेट है ये पूरा आपको वुडन देखने को मिलता है, और अगर मैं इसकी साइज को लेकर बात करूँ कि साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में स्पेस में किस तरीके से रखने वाले हो उसको। तो इसकी जो लेंथ है वो 7.5 फीट आपको कहीं ना कहीं पड़ती है, और इसकी जो हाइट है अगर हम लोग हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो आपको लगभग 1 फीट 2 इंच पड़ती है, मतलब आपको जो इसकी हाइट है वो ऑलमोस्ट आपको 14 इंचेस यहाँ पे मिलती है। तो मेरे हिसाब से डायमेंशन में आपको समझ में आएगा कि अगर आप घर में रखना तो किस तरीके से ये प्लेस हो जाएगा। तो ये तो डायमेंशन बिल्ट और डिजाइन के बारे में बात होगी। अब मेजर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लगे हार्डवेयर को लेके, क्योंकि साउंड बार की बात करने से पहले तो यहाँ पर आपको 2.25 इंचेस के 4 ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे हैं ये ग्रिल के पीछे की तरफ, जहां से आपका मेन जो है ट्रेबल वाला साउंड जो हम लोग सुनते हैं ना बेसिकली वो यहाँ से जनरेट होता है। अब इसका जो आउटपुट है वो आपको मिलता है 160 वॉट का, यानी कि 160 वॉट का RMS है और बोट के सिग्नेचर साउंड के साथ ये जो है आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन चारों ड्राइवर्स के थ्रू। अब रही बात ये वाले ड्राइवर को लेकर, जो कि बेस ड्राइवर है आपका, ये आता है 6.5 इंच का, जो यहाँ पे तगड़ा बेस जनरेट करता है, और मेरे हिसाब से ये 6.5 इंच वाले बेस ड्राइवर मोर देन इनफ होते हैं 15x20 या 15x15 के कमरे के लिए। तो ये आपको इंटरनल हार्डवेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लूटूथ जो है वो आपको 5.3 देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी में आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शन को लेकर हम लोग बात करें तो आपको USB, AUX, ऑप्टिकल, HDMI, ARC
चारों का सपोर्ट देखने को मिल रहा था। और जो मेजर चीज हो जाती है वो है HDMI IRC, क्योंकि HDMI IRC के थ्रू हम लोग जब भी नेटफ्लिक्स वगैरह पे या फिर Amazon Prime या फिर Hotstar पे कुछ भी स्ट्रीम करते हैं तो क्वालिटी बेहतर मिलती है। और HDMI ही मेरा प्रेफरेंस रहेगा। अगर आप अपने घर में कनेक्ट कर रहे हो तो TV में अगर HDMI IRC का सपोर्ट है तो प्लीज आप HDMI IRC से ही कनेक्ट करना। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको सारे प्रोवाइड कर रखे। और USB कहीं ना कहीं एसेंशियल चीज हो जाती है। अगर आप घर में छोटी मोटी पार्टी रखी है और म्यूजिक वगैरह आपको सुनना है तो बस अपने पेन ड्राइव में फिट करे और फटाफट से आप यहाँ पे लगा दे, तो वो ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो 5.3 आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है और 10 मीटर की रेंज में आप बढ़िया तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हो, तो रेंज भी आपको बढ़िया यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे कि स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि साउंड बार के साथ में आपको एक वायरलेस रिमोट प्रोवाइड कर रखा है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रिमोट को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ना 4 इक्वलाइजेशन मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं साउंड में। तो जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो तो आप मोड में स्विच करके कोई थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, जो कि हम लोग टेस्टिंग में भी देखेंगे। प्लस आपको यहाँ पे ट्रेबल और बेस कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है, तो ये एक बढ़िया खास चीज हो जाती है। क्योंकि हम लोग म्यूजिक वगैरह जब एंजॉय करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रेबल्स जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं या बेस का हमें फील थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, तो हम यहाँ पे उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे आपको बटन वगैरह प्रोवाइड कर रखे रिमोट में। बाकी आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्स वगैरह फॉरवर्ड करना है, पेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूट और इनपुट का ऑप्शन आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम में आने वाली चीज़ है जो आपको यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अब मेजर बात आएगी कनेक्टिविटी को लेकर, तो फटाफट से हम पहले उसको टीवी से कनेक्ट करते हैं और फिर कुछ आपको टेस्टिंग वगैरह करके भी दिखाएंगे। तो फाइनली सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। आप कनेक्टिविटी को लेकर बात करें, बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबवूफर को जब आपको साउंड बार से कनेक्ट करना हो तो उस पर कैसे करेंगे कनेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले देखो, आपको साउंड बार के पीछे तो आपको चीज़ें दे रखी हैं, बट सबवूफर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको पीछे दे रखा है ये ऑन करने का बटन, इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पर लाइट इंडिकेट कर रही है ब्लू कलर की। अब जब ये ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट कर रही हो तो आपको करना है कि आपके साउंड बार को ऑन करना है, और यहाँ पर जब ये ऑन हो जाए तो अभी ये HD पे है, पर आपको इसको पेयर करने के लिए ब्लूटूथ मोड पे स्विच करना पड़ेगा। और ब्लूटूथ मोड से फिर आप जो है इसको इनपुट को जो है चेंज करके आप ब्लूटूथ मोड पे कर दो, और उसके बाद फिर ये जो है ऑटोमेटिक आपका पेयर हो जाएगा। और ये जो लाइट है देखो, ये ब्लिंकिंग करना बंद कर चुकी है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अब इससे कनेक्ट हो गई। कनेक्ट नहीं हो इनकेस तो यहाँ पर एक रिसेट का बटन दे रखा है, उसको रिसेट करके जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब मैंने इसको जो है TV से कनेक्ट करा है साउंड बार को विद HDMI ARC जो है सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो मैं इसको इनपुट चेंज कर देता हूँ, HD पे ले आता हूँ, क्योंकि साउंड आउटपुट इससे मिलेगा आपको। तो फाइनली आपको बेस स्टेज से अंदाजा लग गया होगा, अभी देखा था ना कि सबवूफर किस तरीके से हिल रहा था, ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था। तो बेस बहुत तगड़ा है। और अगर मैं ट्रेबल्स को लेके बात करूँ तो यहाँ जो 4 डिफरेंट मोड्स हैं उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है, चेंज आता है, नज़र आता है। अब जैसे अगर आप मूवी वगैरह देखोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटीज डायलॉग्स में बेहतर देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो बेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, पंची हो जाता है। वहीं अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पर जैसे डायलॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सुने देते हैं। तो इस तरीके से जो मोड्स वगैरह वो भी काम में आते हैं। और पर्सनली अगर आप देखो यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबवूफर को आप जो है ग्राउंड पर प्लेस करो, क्योंकि आपको बेस का इफेक्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इन टोटल साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है ये। तो फाइनली आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइस में कंक्लूजन को लेके। तो क्योंकि देखो प्राइसिंग जो इन्होंने रखी है लॉन्च वाली वो रखी है 8999, यानी कि 9000 रुपये की प्राइसिंग पे इसको अमेजोन पे लॉन्च किया है इन्होंने। अब इस प्राइसिंग पे कितना इफेक्टिव है, क्योंकि देखो 10000 रुपये के अंदर काफ़ी सारे साउंड बार्स आपको मिल जाते हैं, बट ये कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे मेजर चीज़ आती है इसकी जो ये कूल अमेजिंग लाइट्स प्रोवाइड कर रखी है, कि एलिगेंस इफेक्ट लेके आती है कहीं ना कहीं। और आपके एम्बियंस में जैसे आप रखोगे ना TV वगैरह के नीचे आप साउंड बार को रखोगे तो एक अलग ही लुक और फील कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यूजुअल साउंड बार्स में ऐसी लाइट वगैरह नहीं आती, बट ये लाइट थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ा देती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाती है एक वायरलेस सबवूफर। अब वायरलेस सबवूफर होने की वजह से फायदा ये है ना कि आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल साउंड बार के पास में ही रखना है। तो कभी कभी दिक्कतें आती है, वायर्स बहुत सारी दिखती हैं, तो आपको डिस्टेंस पे रखना है या छिपा के रखना है,
तो आप सबवूफर को थोड़ा सेपरेट करके रख सकते हो और बेस का अच्छे से इफेक्ट ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया चीज़ हो जाती है और कनेक्टिविटी रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा दिक्कत नहीं आती है आपको अगर आपके हॉल में 15x15x15x20 के हॉल में ही कर मूव भी कर रहे हो आपके सबवूफर को साउंड बार से थोड़ा दूर, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। प्लस अगर साउंड आउटपुट है क्वालिटी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो मेरे ऐसे लाउडनेस बहुत अमेजिंग है और कहीं ना कहीं बेस भी आपको अच्छा मिल जाता है फॉर द प्राइस। तो अगर आपको डिवाइस इंटरेस्टिंग लगा है पर्सनली तो आप इसकी डिटेल्स नीचे चेकआउट कर सकते हैं, बेस्ट बाय लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर तुम्हारे इंदौरी भाई के लिए बस इतना कर देना कि वीडियो को एक मस्त लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अच्छा लगा है तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।